सो गाइज, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गणपत का प्रमोशन किया नहीं है। यू कैन सी दिस गाइज, इतना बड़ा उन लोगों ने कटआउट लगाया है। लेट्स सी गाइज, ऑडियंस तुम देखने आती है या नहीं आती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड फाइनल एडवांस बुकिंग एपिसोड में टाइगर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में आपने देखा किस तरह से सिर्फ वही एक सिनेमा घर नहीं बल्कि सभी जगहों पर जहां पर कल से गणपत लगने वाली है, बड़े बड़े स्टैंड आउट्स एंड जो कटीज है, बैनर्स है, वो गणपत के लगाए गए हैं। तो यहां पे प्रमोशन में मेकर्स ने कोई भी कसर जो नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट टाइगर एंड कृति सैनन ने सिटी टूर्स किया है, कॉलेजेस गए हैं, सिनेमा घर गए हैं फिल्म प्रमोट करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप यहाँ पर प्यासे को नदी तक लेके आ सकते हो लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हो। गेट द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जनता को यू कैन नॉट फोर्स इनटू द सिनेमा हॉल, यू कैन नॉट। आप कितना भी चीख चीख कर चिल्लाओगे ना माइक लेकर कि मेरी फिल्म अच्छी है आओ देखने, मेरी फिल्म अच्छी है आओ देखने के लिए, जब तक जनता का मूड नहीं होगा ना वो नहीं आएगी फिल्म देखने के लिए। एंड गाइस, गणपत की जो शुरुआत है वो बहुत ही यहाँ पर निराशाजनक लग रही है। गाइस फ्रेंड्स, इट्स एब्सोल्युटली डार्कनेस फॉर गणपत एट द बॉक्स ऑफिस। एंड ये एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म है एंड यहाँ से इसका सफर कैसा रहेगा पता नहीं। इट नीड्स टू गेट आउटस्टैंडिंग वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि चार चार पांच पांच स्टार मिलेंगे तब जाकर गणपत को ऑडियंस थोड़ा बहुत सोचेगी कि आना है नहीं आना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई सी एवरीथिंग गोइंग ब्लैक यर फॉर टाइगर श्रॉफ। लेट्स सी गाइस, कल फिल्म देखेंगे। हमने तो फिल्म देखी नहीं है, फिल्म देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ क्या फिल्म अच्छी है या नहीं है, उसका कल इंतजार करेंगे। आई एम होपफुल कल फिल्म में मजा है, टाइगर मार धाड़ करे, अच्छे गाने हो फिल्म में, अच्छा इंटरेस्टिंग प्लॉट हो, इंजॉय करूं मैं थिएटर में जाकर। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर शो काउंट की। देख गाइस, डिस्पाइट लियो, टाइगर नागेश्वर राव, भगवंत केसरी, यारिया द्वितीय, गोस्ट, यहाँ पर जो शो काउंट है गणपत का वो बाप लेवल का है। दिल्ली एनसीआर 855 शोज है, तो शोज की कमी नहीं है। इट्स जस्ट दैट टाइगर का जो बॉक्स ऑफिस था, आई मीन वॉर टू के टाइम, वॉर के टाइम पर ऑब्वियसली उसमें ऋतिक था उसको जाने दो, बागी थ्री के टाइम पर, उसके बागी टू के टाइम पर भी टाइगर यूज टू गेट दो डबल डिजिट ओपनिंग। लेकिन महामारी के बाद सबका बॉक्स ऑफिस खत्म हुआ है तो टाइगर का ही नहीं खाली हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 855 शोज में 2% है, मुंबई में 608 शोज है एंड 3% ऑक्यूपेंसी है, पुणे 205 शोज है 5% है, बैंगलोर डिस्पाइट ऑल दी साउथ फिल्म्स, डिस्पाइट शिवराज कुमार गोस्ट 190 स्ट्रॉन्ग शोज है, 11% ऑक्यूपेंसी है, हैदराबाद में दो तेलुगु फिल्म है, कल टाइगर नागेश्वर राव है, आज भगवंत केसरी है, फिर भी 104 शोज में 14% ऑक्यूपेंसी है, कोलकाता 102 शोज में 3% है, जयपुर 137 शोज में 1%, भोपाल 78 शोज में 4%, लखनऊ 178 शोज, अच्छा शो काउंट है 1%, अहमदाबाद 340 सॉलिड शोज 3%, चेन्नई 25 शोज में 15% एंड सूरत 183 शोज में 0%। लेट्स सी गाइस कल क्या होता है गणपत के साथ। फिलहाल गणपत की एडवांस बुकिंग जो है वो 92 लाख रुपीज की हुई है। दैट्स इट, दीज आर शॉकिंग नंबर्स, आई वोंट मिंस माय वर्ड्स। यहाँ पर मैं कोई भी चीज यू नो क्रीम लगा के बटर लगा के नहीं बताऊंगा आपको, जो है वो है, सीधी बात है। गणपत एडवांस बुकिंग हैज फेल्ड मिजरेबली। तुम जल्दी खोलो लेट खोलो इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस पता चलता है मेकर्स का। एंड यहाँ पर सिर्फ 92 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है एंड रात के 12 बजे तक अगर ये 1.15 1.20 करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, दीज आर बैड नंबर्स। ये कोई छोटी मोटी पिक्चर नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी फिल्म है ये। एंड 92 लाख का एडवांस बुकिंग करके इसने 51,115 टिकट्स बेची है एंड एवरेज टिकट प्राइस 189 है। इतनी बड़ी फिल्म है, इतना खर्चा किया है, ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग तो रखना था अपनी फिल्म का। एंड इसके शोज जो है पूरे इंडिया में वो है 7,017, फिलहाल 7,017 शोज ट्रैक हो रहे हैं। कल एग्जैक्ट शो काउंट जो आएगा उसमें बताऊं एग्जैक्टली कितने शोज है एंड माय न्यू प्रेडिक्शन फॉर टाइगर श्रॉफ गणपत इज 5 से 6 करोड़ रुपए। कल ऑडियंस नहीं आई तो शायद ये 5 करोड़ के नीचे भी कमाएगी, दिस इज अ बैड नंबर, दीज आर वार्निंग साइंस कि टाइगर नीड्स टू री इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी एंड थिंक
वॉट दी ऑडियंस रियली वॉन्ट्स टू सी. कुछ तो वो गलत कर रहे हैं जो ऑडियंस ने यहाँ पर अपना प्यार नहीं दिखाया. लेट्स सी गाइस, कल गणपत रिलीज हो रही है आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमा घरों में. साउथ में पता नहीं वो तमिल तेलुगु वर्जन में कहाँ लग रही है, कोई आइडिया नहीं है. मलयालम कन्नड़ा वर्जन तो छोड़ ही दीजिए आप लोग, तो हिंदी में आए ऑडियंस तो बड़ी बात होगी. तो ऑल द बेस्ट टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सानन, अमिताभ बच्चन जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कल रिलीज के लिए. कल जाइए, अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो तारीफ कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो बता सकते हो. साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.